पवन सिंह के खिलाफ हो रहा है बड़ी साजिश। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार इसी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा इस समय भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह कितना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और पवन सिंह को बिहार के कराकाट में भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। हर एक जाति और धर्म के लोग पवन सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं और जिस तरह पवन सिंह के समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है, लग तो रहा है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह बम्पर वोट से जीतेंगे। लेकिन इसी बीच कुछ लोग फालतू का न्यूज बनाना शुरू कर दिए हैं पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर। कुछ लोगों का कहना यह है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो गए हैं तो तलाक वापस क्यों नहीं लिए हैं पवन सिंह, और उन लोगों का यह भी कहना है कि ज्योति सिंह मंगलसूत्र क्यों नहीं पहनती हैं और पवन सिंह अपने फायदे के लिए ज्योति सिंह को मिलाए हैं और चुनाव बाद फिर दूर हो जाएंगे ज्योति सिंह से, यानी इस तरह का वो लोग वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ इसमें किसी न किसी का साजिश है। अब वो लोग उपेंद्र कुशवाहा का तारीफ करना शुरू कर दिया है और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी इतना ज्यादा पागल नहीं है, 4 महीने से पवन सिंह के साथ रह रही है और 4 दिन में समझ में आ जाता कि पवन सिंह मेरे साथ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन ये सब फालतू का साजिश है। और पवन सिंह ने अपने पत्नी को गाड़ी भी खरीदे और इस समय आप लोग देख ही रहे हैं रातों दिन पवन सिंह की पत्नी पवन सिंह का चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। पवन सिंह की पत्नी ही नहीं बल्कि ज्योति सिंह के पिताजी यानी पवन सिंह के ससुर भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, पवन सिंह की साली भी और ज्योति सिंह के भाई लोग भी। और आज भी पवन सिंह की पत्नी पवन सिंह का चुनाव प्रचार कर रही हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं नया पोस्टर आया है। अब बात रही पवन सिंह तलाक वापस लिए हैं या नहीं, तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ ये सब चीजें मीडिया में पब्लिकली नहीं बताया जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि इन लोगों का कोर्ट में कोई तारीख वारीख नहीं पड़ रहा है, ना तो ये लोग कोर्ट में जा रहे हैं, तो इससे भी आप लोग मिला सकते हैं। बाकी ये लोग झूठ मूठ का उल्टा पुल्टा का न्यूज बना रहा है व्यूज के लिए, क्योंकि इन लोगों के चैनल पे 100-200 व्यूज भी नहीं आता है और ये सब लोगों का ध्यान भटकाने का कोशिश कर रहा है। हाँ तो दोस्तों, इसके बारे में आप सभी का क्या कहना है और हमारे इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।